हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, इतना टेस्टी होता है कि आप बार बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल लेट्स वाई को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, हम मिलकर बनाते हैं शामी कबाब। यहाँ पे मैंने हाफ के जी कीमा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चने की दाल जो मैंने पहले भिगो के रखा हुआ था, 1 मीडियम साइज प्याज, और इसमें हम डाल रहे हैं साबुत धनिया। साबुत धनिया से बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। अब इसमें हम डालेंगे 6 से 7 सूखी लाल मिर्च। इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन 8, 6-7 इस तरह से आप डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे छोटे पीस अदरक। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, खरे गरम मसाला। यहाँ पे मैंने लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, बे लीफ, तेज पत्ता मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत अच्छा कलर आता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अब इसको हम 15 to 20 मिनट्स इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम में, जब तक इसका पानी सूख ना जाए अच्छी तरह से और कीमा अच्छी तरह से गल ना जाए। दोस्तों, तो यहाँ पे गल चुका है। यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची को निकाल दिया है। आप चाहे तो उसको पीस सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते हैं। और ये सबको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीस कर ठंडा होने दे थोड़ा देर के लिए। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, मैंने छोटे छोटे पीस काट रखे हैं। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप मिंट लीफ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अंडा 1 ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, क्रिस्पी भी होता है कशामी कबाब। ये सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया है और इसको गोल गोल शेप में हम बनाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप कई बनाकर रख दें एक साथ और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो अगर आप डाइट पे हैं, ऑयल नहीं इस्तेमाल कर सकते करना चाहते हैं, तो आप नॉन स्टिक में ऐसे ही आप फ्राई कर लें बिना ऑयल के। नहीं तो थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल करें और इसको हम फ्राई कर लें। तो मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम सारे शामी कबाब डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही करें, हाई फ्लेम पे ना डालें। मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं। तो इस तरह एक साइड हो चुका है, अब दूसरी साइड हम फ्राई कर लें। दोस्तों, यकीन माने बहुत टेस्टी होता है ये रेसिपी। जरूर एक बार ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर।